Hello everyone, a very good morning to each and every one of you and welcome to you, your own channel, your legal buddy. So, abhi hum log discuss kar rahe the CRPC ke kuch provisions and we were discussing how a trial in front of a court of a session judge is conducted. Theek hai? So, in last video we have discussed till the situation when the accused has pleaded guilty and the magistrate, the court of session judge is at the liberty of acquitting him, is at the liberty of convicting him or not. ठीक है, अगर उसने plead guilty कर लिया है, खुद को उसने अपनी गलती मान ली है, तो it is not necessarily an obligation on the judge कि उसको वहां पे उसका conviction कर दे. ठीक है, the word may is written here. ठीक है, the judge shall record the plea and may in his discretion convict him. ठीक है, it's not necessary on the judge to convict him. ठीक है, now section 230 पे आते हैं. अगर उसने प्लीड गिल्टी करने से रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है, इफ ही सेज, इफ ही सेज दैट इफ अक्यूज सेज कि नो आई वांट टू फाइट माय केस एंड आई डू नॉट प्लीड माय सेल्फ गिल्टी, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? डेट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस. ठीक है, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक प्रोसिक्यूशन को एक डेट दी जाएगी जिसमें उसको अपने सारे एविडेंसों को पेश करना होगा. ठीक है, If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or not convicted under section 229, the judge shall fix a date for examination of witness. ठीक है, examination of witnesses and may on the application of prosecution issue any process for compelling the attendee attendance of a witness or production of any document or other thing. अब वो कह रहा है कि उस दिन एग्जामिनेशन करेगा विटनेस को, जज बुलाएगा विटनेसेस को. ठीक है, और उनका ओरल एग्जामिनेशन होगा कि आपने देखा क्या नहीं देखा, वहां थे कि नहीं, ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ठीक है, एंड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन वो समन कर सकता है, इट कैन कंपेल द अटेंडेंस ऑफ विटनेस और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग. ठीक है, ये हो गया पहला प्रोसेस. ठीक है, अब समन करके उसको डॉक्यूमेंट या फिर विटनेस को बुला लिया गया है, व्हाट नेक्स्ट? सेक्शन 231 सेज एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. ठीक है, अब यहां पे जो उन्होंने डेट फिक्स करी थी ना, फिक्स अ डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है, इसके बारे में यहां लिखा हुआ है. ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन. ठीक है, जो भी एविडेंस दिए गए हैं उनका उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेगा जज. ठीक है, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन. अब यहां पे कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का जो जज होगा, ही कैन पोस्टपोन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस. ठीक है, या फिर वो कह सकता है कि हाँ आप अभी भी क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए. ठीक है, सेक्शन 231 में एक पावर दी गई है मजिस्ट्रेट जज के हाथों में. ठीक है, अब 232 में क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने एक्विटल इज अंडर 232. ठीक, नाउ इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन द डिफेंस ऑन द पॉइंट. ठीक है, अब एविडेंस ले लिया गया, डिफेंस ने अपने साइड की बात कह दी, प्रोसिक्यूशन हैज सेड हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी. Now the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offence. The judge shall record an order of acquittal. ठीक है, तो the question यहाँ पे ये आता है, the question that is often found in the examination is section 230 court of session में acquittal किस section में है? तो court of session में acquittal 232 में है. ठीक है, now अब कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि prosecution ने अपने evidence दिए और डिफेंस ने उन एविडेंस में प्रॉब्लम बता दी, उसमें लूपहोल्स निकाले. ठीक है, उसके बाद द जज कंसीडर्स दैट द पर्सन हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम, सो ही इज एक्विटेड अंडर सेक्शन 232. बट द जज सेज कि नो नो आई वांट एविडेंस फ्रॉम योर साइड आल्सो, फ्रॉम द डिफेंस साइड आल्सो. तो क्या करेगा, 233 में जो डिफेंस होगा, ठीक है, जो डिफेंस काउंसिल होंगे, जो भी अक्यूज्ड के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको अपना डिफेंस देने का मौका दिया जाएगा. ठीक है, व्हेन द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड इन द सेक्शन 232 ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन द सपोर्ट. ठीक है ना, नाउ
इफ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। अगर वो कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है अपने फेवर की बात के लिए तो जज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि ही शैल रिकॉर्ड इट, और जो फाइल मेंटेन होती है उस फाइल में उसको रखाया जाए। ठीक है। नाउ इफ द अक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग द जज शैल issue such process until he considers for the reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that if it is made for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of justice। अब वो कह रहा है कि when accused says कि मुझे I have to call this and this witness, so he requests the judge कि आप यहाँ पे एक summon issue कर दीजिए, तो it is the obligation, I must not say it is the obligation, it is the discretion of the judge कि वो summon issue करे या ना करे। ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन साइड में उनका अटेंडेंस बुलाना वो जरूरी था, लेकिन डिफेंस साइड में अगर जज साहब, अगर अक्यूज कहता है कि प्लीज ये मेरे विटनेस हैं उनको आप समन करें, तो जज इज एट द डिस्क्रिशन कि वो समन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। ठीक है ना। नहीं करेगा तो उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और नहीं करने के पीछे का रीजन ये होना चाहिए कि अगर अक्यूज की तरफ से ये स्ट्रेटेजी है कि दैट ही इज डिलेइंग द ट्रायल, दैट द पर्पस ऑफ समनिंग इज वेक्सेशन ऑफ द ट्रायल, तो मना भी कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 234 क्या कहता है, व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, अब देखिए दोनों तरफ के विटनेस का एग्जामिन हो गया, अक्यूज एग्जामिन हो गए। ठीक है। द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड द अक्यूज और स्पीडर शैल बी एंटाइटल टू रिप्लाई। ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रोसिक्यूटर ने अपने कहानी बता दी है, नाउ इट इज अप टू द अक्यूज की वो अपनी कहानी बताए। ठीक। अभी कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द अक्यूज्ड। नाउ अगर अक्यूज्ड कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज कर रहा है, ठीक है, लेट्स से किडनैपिंग का केस है, ठीक है, एंड द अक्यूज्ड पर्सन सेज कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन किडनैपिंग के सारे इंग्रीडियंट्स फुलफिल नहीं हो रहे, तो ये पॉइंट ऑफ लॉ की बात हो गई है। ठीक। तो व्हाट द प्रोसिक्यूटर विल कैन डू इज द प्रोसिक्यूटर मे विद द परमिशन ऑफ जज मेक हिज सबमिशंस विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। ठीक है। प्रोसिक्यूटर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस लॉ को लेके वो लिख के जज को दे सकता है। ठीक। अब देखिए दोनों साइड की कहानी हो गई है। अब आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ, अगर कोई पॉइंट्स ऑफ लॉ है, द जज शैल गिव अ जजमेंट इन दिस केस। ठीक। इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 हियर द अक्यूज्ड एंड क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस इन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो कह रहा है कि उसने दोनों साइड की कहानी सुन ली है, अब वो 360 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, 360 हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना जजमेंट दे देगा। ठीक है। नाउ 236 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ये ध्यान में रखना होगा कि इन केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211। ठीक है। वो कह रहा है कि प्रीवियस भी अगर वो किसी केस में कन्विक्टेड है, ठीक, एंड द अक्यूज्ड डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एज अलेज्ड इन द चार्ज, जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड सर्ट अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 229 और सेक्शन 235 टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर। अब वो कह रहा है कि ट्रायल के दौरान आपको नहीं बताना है कि दैट पर्सन हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। ठीक है। जब एक्विटल हो गया है, जजमेंट के टाइम में जब उसको जज को डिसाइड करना है कि सच एंड सच पनिशमेंट शुड बी गिवन, तब द प्रोसिक्यूटर हैज दिस डिस्क्रिशन ऑफ टेलिंग द जज कि ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड आल्सो इन सर्टेन सर्टेन ऑफेंस। तो जब उसका पनिशमेंट डिस्क्राइब हो रहा है तब उसको बताना होगा कि तब अक्यूज्ड प्रोसिक्यूटर को बताना होगा कि ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, क्योंकि पहले नहीं बता सकते हो आप। ठीक। Provided and no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution in any evidence adduced by, unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 235। ये बहुत ही ज़्यादा important है। Previous conviction के बाद आप acquittal या conviction के बाद ही कह सकते हो, उसके पहले नहीं कह सकते हो। ठीक है। ये कुछ important points थे जो court of session के trial में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग वारंट केस पढ़ेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।